करेंगे औरतों के अंदर एक और फ्रैक्चर जिसका नाम है टीबियल पैलेटियस फ्रैक्चर। ये जो टीबिया है, टीबिया बोन जो कि नी जोड़ बनाता है, उसका टीबिया का जो अपर पार्ट होता है उसका फ्रैक्चर है। ये जो टीबिया है इसका ऊपर वाला पार्ट नी जोड़ बनाता है, इसके ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होती है फीमर का लोअर पार्ट। तो इस तरह से यहाँ पे नी जोड़ बनता है, जो टीबिया है, टीबिया का पैलेटियस फ्रैक्चर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये कब देखने को मिलता है अपन को, कोई भी एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना, टू व्हीलर जो एक्सीडेंट है उसके अंदर अपन को इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है ना, वेन वन लैंड्स ऑन द नी, जब वो नीज पे गिरता है तब उसको ये फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पर इसकी कोंडाइल्स प्रेजेंट होती है, तो या तो इसके दोनों कोंडाइल्स के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है या फिर एक कोंडाइल में भी इसका फ्रैक्चर हो सकता है। द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज, तो ये इंजरी है, इसका मैकेनिज्म है, या तो ये इनडायरेक्ट फोर्स के कारण हो सकती है ये इंजरी या फिर ये फ्रैक्चर, जैसे कि वेरस एंड वेलगर्स फोर्स। अगर मान लो ये नी जॉइंट है, तो अगर बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा या फिर यहाँ से इस तरफ की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अपन को नी के ऊपर इंजरी देखने को मिलेगी। तो उसी फोर्स को अपन कहते हैं वेरस एंड वेलगर्स फोर्स, नी के ऊपर। या फिर कोई डायरेक्ट इंजरी हो नी के ऊपर, जैसे किसी ने नी के ऊपर कोई डायरेक्ट चोट मार दी या फिर डायरेक्ट चोट लग गई, तो उस कारण से भी अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो अब इस फ्रैक्चर्स के टाइप आते हैं, इस फ्रैक्चर के 6 टाइप्स अपन को देखने को मिलते हैं, जिसको अपन स्टेजगर टाइप्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो टाइप वन और जो फोर जो टाइप होता है ना, वन से लेकर फोर तक, इसके अंदर 6 है। जो वन से जो फोर तक जो टाइप होता है उसके अंदर ओनली वन कोंडाइल है उसका फ्रैक्चर होता है, या तो लेटरल कोंडाइल का होगा या फिर मीडियल कोंडाइल का होगा। लेकिन जो टाइप 5th एंड 6th है ना, ये कॉम्प्लेक्स इंटर कोंडाइलर फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। तो अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, जो पेशेंट है ना उसको जब चोट लगी तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आएगा, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे कि उसको पेन है, स्वेलिंग है जिस पार्ट पर उसको चोट लगी है, और जो जो पेशेंट है वो अपने वेट बियर नहीं कर पा रहा है, मतलब ठीक से चल नहीं पा रहा है। और अपन को वहाँ पर जैसे वो चहचहाहट की जो आवाज़ होती है ना, उस तरह की आवाज़ सुनाई देने को मिलेगी और वहाँ पर फील होगा। डायग्नोसिस करने के लिए अपन इसका एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा के अपन इसका डायग्नोस कर सकते हैं इस फ्रैक्चर को। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कंजर्वेटिव मेथड से या फिर ऑपरेटिव मेथड के थ्रू। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या करते हैं ना अपन, अगर कोई फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर हुआ वहाँ पर डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है, अगर वो मिनिमल डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है अडल्ट पर्सन्स के अंदर, तो अपन उसका रिडक्शन करेंगे। पहले रिडक्शन करने के बाद अपन उसको मोबिलाइज करेंगे उसके नी जॉइंट को, मतलब उसके जो बोन है उसको। और अगर इस तरह से रिडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो अपन उसके बाद करेंगे सर्जिकल ऑपरेटिव मेथड। तो ऑपरेटिव मेथड के अंदर अपन सर्जिकल प्रोसीजर यूज़ करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट अपन देंगे उस फ्रैक्चर के ऊपर। ये काफ़ी डिमांडिंग प्रोसीजर होता है, इसके अंदर इक्विपमेंट एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है इस ऑपरेटिव मेथड को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक फ्रैक्चर का टाइप था, टीबियल पैलेटियस फ्रैक्चर।